नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे इन्वर्टर के वायरिंग के बारे में। काफ़ी सारे दोस्तों ने मुझे कमेंट किया था कि घर के अंदर इन्वर्टर का वायरिंग कैसे किया जाए, तो इस वीडियो में आपको घर का वायरिंग भी साथ में समझाऊंगा और इन्वर्टर का वायरिंग भी समझाऊंगा, यानी दोनों इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जो हमारी लाइन आएगी उसका वायरिंग भी हम करेंगे और साथ में जो इन्वर्टर का वायरिंग है वो भी साथ में हम दोनों इस वीडियो में आपको समझाने जा रहा हूँ। वैसे तो आपको काफ़ी सारे वीडियो यूट्यूब से मिल जाएंगे इन्वर्टर के वायरिंग के बारे में, फिर भी मैं आपके मेरे इस वीडियो में आपको काफ़ी ईजी वे में समझाने की ट्राई करूँगा। साथ ही साथ कितने रेटिंग की MCB यूज़ होगी और कितने साइज़ का वायर यूज़ होगा वो भी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है परेश और इलेक्ट्रिकल ट्रेनर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आप पूरा लेआउट देख सकते हैं, ड्राइंग रूम, बेडरूम, कॉरिडोर और वॉशरूम। यहाँ पे आप इसको रूम 1, रूम 2, रूम 3 या रूम 4 भी कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर इन्वर्टर का और जो आपके इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का कैसे वायरिंग किया जाता है मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये हमारा मीटर आ गया, ये हमारी मेन MCB, ये हमारी RCCB और ये हमारी सिंगल पोल की MCB हम यूज़ करेंगे। आपके रूम के हिसाब से हमने यहाँ पे मैंने 5 MCB का यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे आप स्पेयर में भी रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे हमने 5 MCB का कैसे मैंने यूज़ किया वो भी मैं आपको आगे चल के वीडियो में बता दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मैंने 6 एम्पीयर लिखा है, एक में 20 लिखा है, एक में 6 16। तो ये मैंने रूम 1, रूम 2 और रूम 3 इसको मान के चलते हैं। तो रूम 1 के लोड के हिसाब से कौन सी चाहिए, 6 20 चाहिए, रूम 2 के लोड के हिसाब से कौन सी MCB चाहिए वो भी मैं आपको इसमें बता दूंगा, और साथ में कितने mm का वायर यूज़ करना चाहिए वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना मत भूलिए, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वायरिंग के लिए वो क्लियर हो सके। और यहाँ पे भी मैंने RCCB और MCB का यूज़ किया, मगर RCCB कितनी रेटिंग की यूज़ करनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, क्योंकि वो आपके घर के लोड पे डिपेंड करता है, ठीक है। मगर मान लीजिए आपका लोड, घर का लोड इतना होगा ये जो मैंने बताया उसके हिसाब से, तो आप यहाँ पे 16 या 20 एम्पीयर की RCCB यूज़ कर सकते हैं या मेन MCB भी 16 या 20 एम्पीयर की यूज़ कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोड है, 2 AC 3 AC आप यूज़ करें, तो आप 25 एम्पीयर की या 32 एम्पीयर की RCCB या MCB भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यह आपका हमारा इन्वर्टर आ गया और ये इसकी बैटरी। तो जो ये इन्वर्टर है इसको मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि वो क्या करता है, DC सप्लाई को AC सप्लाई में कन्वर्ट करना, सिंपल, ठीक है। DC सप्लाई को स्टोरेज करके AC में कन्वर्ट करता है, मगर पहले इसको AC सप्लाई देना पड़ेगा, यानी AC सप्लाई हम इसको देंगे यहाँ पे। इसके बाद ये जो DC सप्लाई बैटरी है, यहाँ से उसको लेके बैकअप लेके फिर हमें जो हमारे पंखे, ट्यूबलाइट, जो भी आप चलाना चाहते हो उसको सप्लाई देगा, ठीक है। और यहाँ पे जो इन्वर्टर होता है वो रेटिंग पे डिपेंड करता है कि आप कितनी रेटिंग का यूज़ करते हो, उस पर डिपेंड करेगा आपके कितने पंखे चलेंगे, कितने ट्यूबलाइट चलेंगे, ठीक है। इसी तरह ये बैटरी की जो पंखे अगर 1 घंटा चलेंगे, 2 घंटे, वो भी ये बैटरी पे डिपेंड करेगा। इन्वर्टर सिर्फ डिसाइड करेगा कि कितने पंखे आप चला सकते हैं, लोड ले सकते हैं, और बैटरी भी डिसाइड करेगा कितने घंटे आप उसको चला सकते हैं, ठीक है। तो ये इस पर रेटिंग पर डिपेंड करेगा। तो आपके घर के लोड के हिसाब से कितने रेटिंग का आपको इन्वर्टर लेना चाहिए और बैटरी यूज़ करनी चाहिए, इसके बारे में आपको जानना है तो मुझे कॉमेंट करके बताइए, तो मैं इस पर अलग से वीडियो बनाने की ट्राई करूँगा। और इसके बाद जो ये हमारा रूम, इसके अंदर जो हमने पंखे यूज़ किए हैं, 2 बल्ब, TV, इसी तरह रूम 2 में AC का यूज़ किया, यानी आपको आइडिया आ सके कितना लोड ले सकते हैं और कितने कितनी रेटिंग की MCB हमें यूज़ करनी चाहिए। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल स्विच बोर्ड है, ये देख सकते हैं यहाँ पे 4 स्विच का हमने यूज़ किया, एक पंखे के लिए सॉकेट है, 5-पिन सॉकेट, इसी तरह यहाँ पे भी, और ये यहाँ पे हमने 2 स्विच और ये सॉकेट का यूज़ किया। और ये हमारे जो हमने सॉकेट का यूज़ किया ये हमने इन्वर्टर के लिए है, ठीक है, इन्वर्टर के लिए किया, क्योंकि इन्वर्टर को भी सप्लाई देना पड़ेगा इसी, तभी वो वर्क करेगा ना, ठीक है। तो इसके लिए हमने ये सॉकेट का यूज़ किया। इसके बाद ये हमने AC के लिए मैंने पेशली आपको ये बताया इसका वायरिंग भी कैसे किया जाता है। ये हमारा स्टार्टर, AC स्टार्टर। तो ये आप अगर 1.5 टन का AC है तो आप 16 MPa का यूज़ कर सकते हैं या 20 MPa का यूज़ कर सकते हैं, आपके टन के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसका भी मैं आपको वायरिंग बता दूंगा। तो यानी मैं आपको टोटली कंप्लीट पैकेज बता रहा हूँ, पूरा घर का वायरिंग, जो मेन मेन चीज़ घर में यूज़ होती है उसका वायरिंग कैसे किया जाता है इसमें भी आपको आइडिया आ जाएगा, साथ में इन्वर्टर का वायरिंग कैसे किया जाता है वो भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले फेज हमारा मीटर में जाएगा, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का फेज और न्यूट्रल है वो हमारा मीटर में जाएगा, ठीक है। इनपुट और आउटपुट न्यूट्रल जाएगा वो हमारे MCB में जाएगा यहाँ पे। और ये हमारा फेज भी आ गया। और यहाँ पे जो हमने ये वायर यूज़ करेंगे, तो आप ये 4 स्कैम का वायर यूज़ कीजिए, ठीक है। 2.5 का भी यूज़ कर सकते हैं चलेगा, मगर 4 स्कैम का वायर यूज़ कीजिए यहाँ पे तो अच्छा रहेगा। MCB के इनपुट में जो मेन MCB होगी आपके, यहाँ पे आप 16, 20 या 32 MPa जो भी आपका लोड है घर का लोड के हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद इसका न्यूट्रल हमें RCCB में देना है, यहाँ पे हम RCCB में इसका कनेक्शन कर देंगे। तो ये हमारा फेज और न्यूट्रल का RCCB का कनेक्शन। इसी तरह भी हम फेज, ये पूरी जो हमारी 5 MCB हमने यूज़ किया सिंगल, उसमें हमें फेज देना है, तो सभी में हम इस तरह से हम लूप दे देंगे। तो ये हम 4 MCB में दे रहे हैं, एक इसके लिए बाकी रखा क्योंकि ये MCB हम ये हमारे इन्वर्टर है उसके लिए रखेंगे। तो ये हमने 4 MCB किया, कनेक्शन हो गया। अभी हम न्यूट्रल वायर का कनेक्शन करेंगे, तो न्यूट्रल के लिए हम क्या करेंगे, न्यूट्रल लिंक का हम यूज़ करेंगे। इस तरह से एक न्यूट्रल लिंक लगा देंगे और यहाँ पे न्यूट्रल यहाँ पे देंगे, यानी पूरा जो भी न्यूट्रल का वायरिंग करना है तो यहाँ से ही हम न्यूट्रल ले देंगे, यानी हमको न्यूट्रल लेने में काफ़ी आसानी होगी। इसके बाद
ये हमारा बैटरी के लिए कनेक्शन फेस आप रेड कलर वाला आपका प्लस में जाएगा और ब्लैक कलर का नेगेटिव, यहाँ पे लिखा होगा प्लस माइनस, तो प्लस में आपका फेस वायर होगा एंड रेड वायर कलर वायर होगा और ये ब्लैक कलर से हम नेगेटिव बताएंगे। यानी बैटरी का कनेक्शन बहुत ही सिंपल है इन्वर्टर में। और ये इसके बाद ये थ्री पिन टॉप इस तरह से इन्वर्टर में आपको आएगा, तो ये थ्री पिन टॉप का आपको यहाँ पे सॉकेट में इसमें डाल देना, ठीक है। यानी एसी सप्लाई यहाँ पे मिलेगा और ये बैटरी से बैकअप डीसी को कन्वर्ट करके एसी में यहाँ पे आप सॉकेट जैसे वहाँ से हमारा आउटपुट निकलेगा। यानी हम यहाँ से फेज वायर निकालेंगे इस तरह से और ये 6 एम्पीयर की एमसीबी देंगे, ठीक है। वो रेटिंग में डिपेंड करता है, अभी मैंने 6 एम्पीयर लिखा है, आप 10 भी लगा सकते हैं, 16 भी लगा सकते हैं, आपका लोड के हिसाब से और ये इन्वर्टर की रेटिंग के हिसाब से, ठीक है। तो इतना अभी वायरिंग हो चुका, अभी हम जो हमारी मेन एमसीबी है रूम वन का वायरिंग करेंगे। तो यहाँ से 6 एम्पीयर की हमने एमसीबी क्यों यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पे हमने बल्ब, दो बल्ब यूज़ किया, एक पंखा यूज़ किया टीवी, तो इतने लोड के हिसाब से 6 एम्पीयर काफ़ी इनफ है। अगर लोड ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आप 10 एम्पीयर की यूज़ करें, मगर 6 लाइटिंग लोड के लिए 6 एम्पीयर काफ़ी इनफ है। यानी हम यहाँ पे 6 एम्पीयर की एमसीबी यूज़ कर रहे हैं और जो वायर यूज़ करेंगे 1.5 एम का हम वायर यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो हमने वायर यूज़ करेंगे वो 1.5 एम का वायर होगा, ठीक है। तो ये हमने पहली स्विच में यहाँ पे वायरिंग करना, तो पहली स्विच में हमने यहाँ पे फेस दे दिया या लूप निकालेंगे और सभी स्विच में हमें कनेक्शन करना है इस तरह से। तो ये सभी स्विच में हम कनेक्शन कर देंगे, यानी पूरी ये चार चार स्विच में हमारा फेज वायर पहुंच गया। अभी जो उसका इनपुट हमने यहाँ पे दे दिया और यहाँ से हम फेज वायर निकालेंगे, ठीक है। तो इसको अगर जब सप्लाई बंद होगा तो इसको हम ऑफ वायर कहा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फेज इस तरह से हम पंखे में देना, पंखे का जो रेगुलेटर है तो रेगुलेटर के अंदर दो वायर निकलेंगे, तो ये आपका मान लीजिए एक पहला वायर है और तो दूसरा वायर यहाँ से निकलेगा तो सीरीज में जाएगा ना। एक वायर यहाँ से निकल के पंखे के जो रेगुलेटर होता है उसके दो वायर निकलेंगे, वहाँ पर एक वायर में लगा देना, दूसरा वायर से फेस निकाल के वायर निकाल के हमें पंखे में देना इस तरह से। तो पंखे का वायरिंग हो गया, इसी तरह फेस दूसरी स्विच से निकालेंगे कि जो हमारी लैंप है वहाँ पे देना है एलईडी में, और तीसरी स्विच का दूसरा जो हमारा लैंप है वहाँ पे एलईडी में देना है। यानी ये मैंने वायरिंग जो बताया, और यहाँ से जो चौथी स्विच है वो हमारे सॉकेट का जो बाकी है वहाँ पर हमने देना है इस तरह से। तो ये इतना वायरिंग हुआ, ये हमारा फेस का वायरिंग हो गया। और ये मैंने सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से सप्लाई, अभी मैंने इन्वर्टर का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये पहले रूम का वायरिंग पूरा आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से वर्क करेगा। अभी ये दूसरे रूम का वायरिंग देख लेते हैं। तो यहाँ पे 20 एम्पीयर का वायर जो एमसीबी यूज़ करेंगे, तो ये हम एसी के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए आप 1.5 टन का एसी यूज़ कर रहे हैं या 1 टन का यूज़ कर, तो इसके लिए 20 या 25 एम्पीयर की एमसीबी इनफ है, ठीक है। तो मान के चलते हम 1 टन 1.5 टन का यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर 20 एम्पीयर की एमसीबी यूज़ करेंगे 1.5 टन के लिए, और जो वायर यूज़ करेंगे वो 2.5 स्क्वायर का वायर इनफ है, ठीक है। यानी फेज वायर हम 2.5 का यूज़ करेंगे। तो ये आप देख सकते हो, ये स्टार्टर है एसी का, तो यहाँ पे स्टॉप बटन और स्टार्ट बटन है। तो स्टॉप बटन एनसी होता है, नॉर्मली क्लोज होता है, तो यहाँ पे उसके यहाँ पे एक टर्मिनल में कनेक्शन है, दूसरा यहाँ से निकाल के स्टार्ट बटन में देना है, और स्टार्ट बटन का दूसरा वायर निकालेंगे तो ये हमें सिंपल यहाँ पे सॉकेट में देना है। तो ये एसी का फेस का वायरिंग हो गया। अभी जो दूसरे रूम का वायरिंग जैसे मैंने आपको बताया वो हम इन्वर्टर से करेंगे, मगर इसके पहले ये जो बाकी इन्वर्टर को सप्लाई देना पड़ेगा तो उसका हम फेस का वायरिंग कर देते हैं। तो इसके लिए हम 16 एम्पीयर की एमसीबी यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए आपका ये किचन या आप इसको दूसरा कोई भी रूम लगे जिसमें लोड ज़्यादा होगा, पावर सॉकेट की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो इसके हिसाब से 16 एम्पीयर के लिए पावर सॉकेट 16 एम्पीयर का रखेंगे, तो 16 एम्पीयर की एमसीबी यूज़ करेंगे। तो 16 एम्पीयर की एमसीबी हम यूज़ करेंगे और जो वायर यूज़ करेंगे वो आपका 2.5 एम का वायर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 2.5 का वायर यूज़ करेंगे तो ये हम स्विच में देंगे यहाँ पे, और ये हमारा इस तरह से सॉकेट में, ये हमारा पावर सॉकेट में जाएगा 16 एम्पीयर का यूज़ करेंगे। तो ये इस तरह से ये हमारा यहाँ पे फेस पहुँच गया, और ये जो हमारा थ्री पिन टॉप है यहाँ पे लगा देंगे तो आपका इन्वर्टर काम करेगा, ठीक है। यानी इसी सप्लाई इन्वर्टर को मिल जाएगा, और यहाँ से हम दूसरा फेस वायर निकालेंगे, और ये दूसरा हमारा स्विच बोर्ड है वहाँ पर जाएंगे, हमारी स्विच में जाएगा और वहाँ से हम निकाल के दूसरा जो हमारे सॉकेट है वहाँ पर हमने दे दिया, ठीक है। और ये एक स्विच को हमने बाकी रखा है जो हम इन्वर्टर का यूज़ करेंगे। अभी इतना वायरिंग हो चुका, अभी हम इन्वर्टर का वायरिंग चालू, तो इन्वर्टर के लिए मैंने 6 एम्पीयर यूज़ किया, आप 10 का भी यूज़ कर सकते हैं, लोड पे डिपेंड कर, ठीक है। अभी आप कम लोड मान के चलिए तो 6 एम्पीयर की हम एमसीबी यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हम वायर निकालेंगे तो आप 1.5 या 2.5 एम का वायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारा जाएगा ये स्विच बोर्ड में, स्विच में लगा देंगे, और स्विच का आउटपुट जाएगा जो हमारा पंखे का रेगुलर, सेम जो हमने वायरिंग यहाँ पर किया है पंखे की, उसी तरह यहाँ पर कर देंगे इस तरह से। तो ये पंखे का हुआ, इसी तरह दूसरा हम यहाँ से वायर निकालेंगे और लूप दे देंगे दूसरी स्विच में, ठीक है। तो ये दूसरी स्विच है वहाँ से एक वायर निकालेंगे, और ये हमारा एलईडी है वहाँ पे देंगे, और इसी तरह ये सॉकेट में वायरिंग करेंगे, सेम जो हमने रूम वन में किया उसी तरह रूम टू में हमने वायरिंग कर दिया है, ठीक है। और दूसरा यहाँ से हम फेज निकालेंगे, और जैसे मैंने बताया एक स्विच हमारी बाकी थी वहाँ पर हमने वायर लगा देना है, ठीक है। तो ये हमारा इन्वर्टर पर इतना हमारा वर्क करेगा, और ये रूम वन हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सप्लाई पर काम करेगा, ये पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के सप्लाई पर काम करेगा, ये हमारा इन्वर्टर पर और ये हमारा इन्वर्टर पर काम करेगा। अभी हमें न्यूट्रल का वायरिंग बाकी है, फेज का हो गया, तो न्यूट्रल का वायरिंग हम न्यूट्रल लिंक से निकालेंगे। तो न्यूट्रल वायरिंग के लिए जो हम पहले रूम में लगाएंगे, तो जो न्यूट्रल हमने यूज़ किया वो आप 1.5 स्क्वायर का वायर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 1.5 स्क्वायर का वायर यूज़ करें इनफ है, ठीक है, इतने लोड के लिए। तो ये पंखे में जाएगा इस तरह से,
इसी तरह से ये हमारे एलईडी बल्ब में जाएगा, दोनों बल्ब में लगा देना है, और इसी तरह से दूसरे हम लूप निकालेंगे और ये सॉकेट में देना है, यानी सॉकेट को फेस न्यूट्रल मिल गया, ठीक है। इतना वायरिंग को यहाँ से पूरी एक न्यूट्रल सेपरेट हमने रूम वन के लिए और दूसरे हम अलग से सेपरेट निकालेंगे एसी के लिए। तो ये एसी के लिए जो हम न्यूट्रल का वायर लगा रहे हैं ये, तो ये 2.5 स्क्रम का आपको यूज़ करना है, क्योंकि हमने फेज वायर 2.5 का यूज़ किया, तो न्यूट्रल भी 2.5 स्क्रम का वायर यूज़ करना है, क्योंकि एसी के लिए अलग से ही आप लाइन कीजिए मेन लाइन से, ठीक है। इसको आप किसी से लूप मत बना दीजिए, इसको अलग से ही सेपरेट लाइन इसको यूज़ कीजिए। इसके बाद दूसरा हम न्यूट्रल निकालेंगे रूम वन टू के लिए, तो यहाँ पे जो इन्वर्टर का जो होगा न्यूट्रल वो भी हम यहाँ से ही देंगे, तो ये भी आप 1.5 या 2.5 का यूज़ कर सकते हैं आपके लोड के हिसाब से। इसी तरह यहाँ से निकालेंगे और पंखे में देना है हमें, और ये एलईडी में देना है, इस तरह से काफ़ी सिंपल वायरिंग है। इसके बाद दूसरा हम न्यूट्रल निकालेंगे, तो ये हमारे जो पावर सॉकेट है वहाँ पे हम दे देंगे, ठीक है। तो ये पावर सॉकेट में हमने दे दिया जिससे कि हमारा ये इन्वर्टर वर्क करेगा, और दूसरा लूप निकालेंगे न्यूट्रल का जो हमारा ये सॉकेट में बाकी था वहाँ पे न्यूट्रल देना है, और जो बल्ब बाकी था वहाँ पे हम कनेक्शन कर देते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रल का वायरिंग हो चुका है, पर अभी हम अर्थिंग के लिए देख लेते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने आप के जो न्यूट्रल यहाँ से इन्वर्टर से क्यों नहीं लिया, क्योंकि ऑलरेडी हमने जो न्यूट्रल जो इन्वर्टर में दे रहे हैं वो हमने यहाँ से ही इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यूज़ किया, यहाँ हम यानी यहाँ से हम न्यूट्रल यूज़ के अंदर कोई दिक्कत नहीं कि उसको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने न्यूट्रल यहाँ से ही सभी जगह पर न्यूट्रल का यूज़ किया, कॉमन ही ले लिया, ठीक है। और ये मैंने कई जगह पर इंडिविजुअल भी लिया, लूप नहीं किया, क्योंकि अलग आप एक ही न्यूट्रल का यूज़ करेंगे तो कई जगह फोल्ड होगा तो काफ़ी दिक्कत आ सकता है, अलग अलग सेपरेट यूज़ करेंगे कोई जगह भी फोल्ड होता है तो आप इसीलिए फोल्ड को फाइन कर सकते हैं। इसलिए आप न्यूट्रल अलग ही यूज़ किए, रूम वन के लिए अलग यूज़ किए, रूम टू के लिए अलग यूज़ कीजिए, ठीक है। कॉमन मत रखिए और उसके रेटिंग के हिसाब से यूज़ किए, ठीक है। अभी हम अर्थिंग के लिए देख लेते हैं, तो अर्थिंग में यहाँ पे कॉमन रख रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ये अर्थिंग के लिए पहले हम जो ये सॉकेट है वहाँ पे हम अर्थिंग देंगे, तो अर्थिंग आप 2.5 स्क्रम का वायर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मेन अर्थिंग आपका 2.5 का यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से हम देखें ये हमारा सॉकेट है, एसी के लिए आप अर्थिंग अलग से यूज़ कीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने कॉमन बताया, मगर आप यहाँ पे ये यूज़ करेंगे उसको सेपरेट ही लगाइए 2.5 के लिए, 2.5 स्क्रम का यूज़ कीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ से हम लूप निकालेंगे अर्थिंग का, और ये हमारा सॉकेट में आ गया, यानी हमारा भी यहाँ पे प्लग लगाएंगे तो आपका इन्वर्टर वर्क करेगा आराम से। उसी तरह दूसरा लूप निकाल के ये हमारा स्विच बोर्ड इन्वर्टर के लिए जो हमने यूज़ किया वहाँ पे लगा देंगे, और इसी तरह जो हमारा ये सॉकेट है वहाँ पे लगा देंगे। ये हमारा अर्थिंग का पूरा वायरिंग हो चुका है, ठीक है। इसके बाद ये हमारा थीपिन टॉप जो हमारा टीवी के लिए कनेक्शन यहाँ पे हो गया, इसी तरह एसी का ये आ गया, ठीक है। तो ये हमारा अभी पूरा वायरिंग हमारा हो चुका है। तो जो इस वीडियो में ना आपको इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पूरा घर का वायरिंग बताया, दूसरा यहाँ पे मैंने इन्वर्टर का पूरा वायरिंग बताया, साथ में मैंने आपको इन्वर्टर और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का वायरिंग बताया, ठीक है। अगला जो मैं वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं आपको पूरा घर का वायरिंग इन्वर्टर से कैसे किया जाता है वो भी वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अभी मैंने आपको दोनों एक इन्वर्टर का भी वायरिंग बताया, इलेक्ट्रिसिटी दोनों का हमने बताया, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बताया अगर आप इन्वर्टर की रेटिंग और बैटरी की रेटिंग कैसे सिलेक्ट करना चाहते हो घर के लिए, तो इस पर वीडियो चाहते हो तो मुझे कॉमेंट करके बताइए, तो मैं इस पर अलग से वीडियो जरूर बना दूंगा। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी और कुछ डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। जितने भी आप इसको शेयर करेंगे तो ये इन्फॉर्मेशन सभी लोगों तक पहुंचेगी और सभी लोगों को काफ़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। और फिर भी यहाँ पे अगर मैं कुछ चीज़ बताना भूल गया तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। और सवाल पूछे तो जिससे कि मेरा भी नॉलेज बढ़ सके। तो दोस्तों मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।